ग्रह वक्री होते हैं, कौन कौन से पांच ग्रह है? राहु, केतु, होते या नहीं होते? हाँ राहु केतु नहीं हमेशा ही होते। रहते। हाँ सेम जी है, मेरा नेचुरल, भी हाँ है, नेचुरल नेचुरल, है उनका रेट्रोग्रेशन, उनका नेचुरल एक एक जैसे करके, एक एक उनको करके। राहु केतु वक्री होते या नहीं होते, पहला सवाल। नहीं होते, नहीं होते, सुबह नहीं होते, वो होते, हमेशा ही नहीं होते। होते। वो उल्टा चलते, सुबह ही हमने डिस्कस किया है। जिन्होंने सुबह की क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए आई एम सॉरी। राहु गेव केतु उल्टा चलते हैं, लोग उन्हें वक्री बोले मैं ही कुछ नहीं कह सकता, वो उल्टा चलते हैं, ठीक है, इसलिए और ज्यादा बलशाली होते हैं। पांच प्लैनेट जो वक्री होते हैं वो होते हैं मर्क्यूरी, सैटर्न, वीनस, मार्स, वीनस और जुपिटर। गुरु, जुपिटर, अब इसके मैं आपको शॉर्टकट में उपाय बता देता हूं। मर्क्यूरी वक्री है, कुछ मत कीजिए, किताबें पढ़िए, बच्चों से कनेक्ट रहिए, पेड़ पौधे लगाइए। और मर्क्यूरी क्या है, उसका कनेक्ट गाय, गाय को हरा चारा खिलाइए, उससे कनेक्ट रहिए, आपका वक्री ग्रह आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने लगेगा। सैटर्न वक्री है, वॉक अलॉट, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक्स नहीं पीना है, गरीबों की सेवा करना है, दान धर्म करना है, जितने लोअर क्लास पब्लिक है उनके बीच में जाकर के आपको सेवा करनी है। केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। मार्स वक्री है, मार्स इज अ हायर एनर्जी, वो जब भी वक्री आपको ऊर्जा को डिसिपेट करना पड़ेगा। अगर वो जल तत्व में वक्री है स्विमिंग कीजिए, अगर वो नॉर्मल वक्री है वॉक कीजिए, रन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको एनर्जी को डिसिपेट करनी पड़ेगी। अगर मार्स के साथ सैटर्न बैठा है, राहु जैसे प्लैनेट बैठे हैं, तो उस ऊर्जा को आपको यूटिलाइज करना है कहाँ पे, कॉमन पब्लिक में। कॉमन पब्लिक में जाकर के एफर्ट देना पड़ेगा आपको, आपको कॉमन पब्लिक में कर्म करना पड़ेगा उनकी सेवा के लिए। वीनस वक्री है, वीनस इज अ जल तत्व प्लैनेट, वीनस रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस, योर अदर हाफ, लेडीज, ठीक है, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उस पर भी माता तुल्य अगर लेडीज की आप सेवा करते हो बहुत अच्छा रहेगा। उनको दान धर्म कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए, क्योंकि वो जल तत्व प्लैनेट है। जुपिटर वक्री है, वो आकाश तत्व प्लैनेट, धर्म का प्लैनेट है। मंदिर डेली जाइए, डेली आप मंदिर जाकर के दान धर्म कीजिए। किसी पंडित को रोज 1 रुपए देंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये रोज ना दे सको, हफ्ते में एक बार 1 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, कुछ जो आपकी श्रद्धा है दीजिए। और वहां पे जाकर के थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप भी नहीं करना, आप वहां पे बैठिए थोड़ी देर, वो जो मंदिर का घंटा सुनेगा ना, सुनोगे ना आप, वो वाइब्रेशन आपके कर्ण पे जाएगा, वो बहुत मैटर करेगा। तो जब भी कोई ग्रह वक्री है वह आपको क्या कहता है, मेरी पावर ज्यादा है, आई एम वॉचिंग यू। और जब वो आपको वॉच करेगा तो वो आपको देखेगा कि आप उसके अनुरूप कर्म कर रहे हो, तो आपको क्या कर देगा, रिजल्ट अच्छे देने लगेगा। तो जो आप पे नजर रख रहा है आपको उसके अनुरूप चलना है। वो जो देखिए, एक सीधी सीधी बात है, एक व्यक्ति आपको उन पे नजर रख रहा है, आपको उसका स्वभाव पता है, आपको पता है ये व्यक्ति क्या पसंद करता है, आप उसके पसंद की चीजें करने लगो, आपसे गलती होगी तब भी उसको नजरअंदाज करेगा, हाँ या ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, स्वाभाविक है, क्योंकि आप वही कर्म कर रहे जो उसको पसंद है। तो आपको पता है जो प्लैनेट आपको वॉच कर रहा है उसका स्वभाव आपको पता है, आप उसके स्वभाव को जीवन में अपना लो, आपका जीवन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेचुरल स्वभाव में लाओ, आर्टिफिशियल लाओगे वो काम नहीं बनेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, नेचुरल मीन्स नेचुरल, प्योर प्योर नेचुरल, ठीक है। जिस भाव में वक्री प्लैनेट बैठा है उस भाव को एसोसिएट करो साथ में, तो और ज्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। अब कुछ चार्ट के एग्जाम्पल हम लेंगे, फिर हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके डाउट सेशन ले लेंगे इसी में क्विकली। अब हम लोग ओपन सेशन रखते हैं, डिस्कशन सेशन रखेंगे, लेकिन जिसका बैकग्राउंड साउंड है वो नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर कोई उससे मतलब बनेगा नहीं। और एक एक करके बोलेंगे, 10 लोग बोलेंगे उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ जी, किसका वक्री प्लैनेट कहाँ बैठा है, जिसकी दशा चल रही है? सर मेरे उसकी दशा चल रही है सैटर्न की। सैटर्न वक्री सैटर्न है, का यस सर, सैटर्न वक्री है तो प्रशांत पावले आपका कुछ स्क्रीन पे दिक्कत आ रही, ध्यान देना। हाँ हाँ सैटर्न वक्री, उसकी अभी दशा चल रही है 2026 तक है, दिसंबर तक। उसके बाद मरकरी भी वक्री है, फिर उसकी अबे दशा आनी अबे, है। वेट 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 वेट, एक नहीं एक सर, करके, मैं बता रही हूँ एक एक करके। सर, आपका लगन बस कौन सा है, आपका लगन कौन सा है मैंने पूछा, कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन। शनि कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में, ट्वेल्थ थर्ड हाउस में। साइन। हाँ जी कैप्रिकॉन लगन है तो आपका 1 2 3 तीनों एक्टिवेट हो चुके, फर्स्ट जी हाउस, सर, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। यस सर, तीनों ही है। जी कैसे हुए, क्योंकि 10 नंबर राशि आपका लगन बना, जी दस वही दस लगने नंबर जी
10 नंबर आपका लग्न बना, तो जो लग्नेश है, जो लग्नेश है उसकी खुद की दशा चल रही है, ठीक है। हेल्थ वेल्थ, यस हेल्थ वेल्थ कम्युनिकेशन आपका एक्टिवेटेड है, हाँ जी ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपके जीवन में हमेशा एमरजेंसी रही? नहीं सर, अर्जेंसी तो ऐसी कभी नहीं रही, बस हाँ ये है कि काम जल्दबाजी में किया है, लेकिन अब काम मैं जल्दी, थोड़ा करती हाँ। हूँ, अब चेंज आया। क्या आप वॉक बहुत करते थे? अच्छा, हाँ जी वॉक करती थी, वॉक तो मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वॉक करती थी। तो आपने क्या किया था, आपने सैटर्न के एट्रीब्यूट्स को अपनाया था, तो हाँ जी वो आपके अनुरूप चलने लगा, इसलिए मतलब आप पे उसने नजर रखी थी लेकिन आपने उसको डिच दे दिया। कैसे डिच दिया? उसके कर्मों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, ठीक है। तो वक्री प्लैनेट थर्ड हाउस में भी होते हुए उसका रिजल्ट आपके लिए कोई मेजर नेगेटिव नहीं गया, क्योंकि आपने उसको पहले डीलिंग पूरी तरह से ना भी किया हो बट आपने उसको एडॉप्ट किया, इसलिए सर कहता हूं। इवन पता भी नहीं था, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं सीख रहे थे, वॉक हाँ, शुरू से ही थी करने की, ये आपको बस किसने कराया बताऊं मैं? आपके इष्ट ने कराया है। मैं ने लोगों को क्यों कराया। हमेशा कहता हूं आप अपने इष्ट से कनेक्ट हो, इष्ट से कनेक्ट हो, इष्ट से कनेक्ट हो? बॉस, वो इष्ट को सब कुछ पता है, उसको एस्ट्रोलॉजी के, आप हमें ABCD सीख रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के पूरे सेंटेंस, पैराग्राफ, पूरी बुक लिख चुकी है, लिख चुका है, उसको सब पता है, उसको पता है आपके लिए क्या जरूरी है, वो आपको सब कराएगा ट्रिगर चला करके। आपने कि सैटर्न सन का सन मैम से बस बस कंट्रोल बस होता बस, है, वो सैटर्न सन तो से कंट्रोल होता है। आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठते हो? जी वही मैं बता रही हूँ कि डिसिप्लिन में भी रहने की आदत थी शुरू से। सिंपल सिंपल। तो मुझे बताइए, हमने जो रेमेडी अभी तक चर्चा की आप उसको कर रहे थे अननोइंगली, जी रिजल्ट आपके सामने, अनोइंग, रिजल्ट हाँ आपके जी सामने है, तो हमने कुछ गलत तो नहीं बताया, सामने है, बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है। नेक्स्ट वन, किसी और का चार्ट लेते हैं, जो मैं नेगेटिव चार्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा जी लीजिए सर, ना, हाँ बताइए, आपका मेरा कौन भी सा ले प्लैनेट, सकते हैं कौन सर। सा प्लैनेट वक्री तुला चल रहा है जिसकी दशा चल रही है? सर, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं, पर सर मेरा तुला लग्न, और सब कहते हैं थोड़ी कुंडली गड़बड़ है अरे मैं कुंडली देखने नहीं बैठा हूँ सर, वक्री ग्रह, वक्री ग्रह, कुंडली सर। नहीं मेरा देखना है सेटर्न मुझे। चल रहा है सर, मेरा सेटर्न का दशम नहीं भाव नहीं में सर, मेरा राहु एक का स्टार्ट हुआ है सर, एक राहु की मिनट, दशा चल रही है एक सर। मिनट, एक मिनट, किसके वक्री ग्रह की दशा चल रही है? केवल वही हाथ उठाएगा, बस। मेरा सर सर राहु चल रहा है सर, राहु तीसरे घर में वक्री तुला नहीं होता है, राहु वक्री नहीं होता है, भूल जाओ। तेजस जी आप सर, बोलिए, सर तेजस गुरु की जी, बेटा जैसा चल रही है मैंने मेरे। मैंने हेलो तेजस हेलो, नाम नहीं आपका, तेजस जी आप बोलिए, जो है हाथ तेजस ने भेज किया। तेजस जी बोलिए, तेजस जी बोलिए आप। हाँ यस सर, सैटर्न की महादशा चल रही है, फर्स्ट हाँ, हाउस में है, और और कुंभ सैटर्न वक्री है, कुंभ राशि में। यस सर सैटर्न वक्री है, कुंभ राशि है, ठीक है जी। तो आप, अगर आपका कुंभ राशि है, सैटर्न कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। हाँ फर्स्ट हाउस में, आपका 12th हाउस और फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है। अब मुझे एक चीज यस बताइए, क्या आपका मन अशांत रहता है? हाँ सर बहुत सर, क्या आपको हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती है? यस सर, क्यों होती है, और क्यों होती है? हॉस्पिटल रिलेटेड इश्यू हॉस्पिटल होते हैं। रिलेटेड इशू तो आएंगे आएंगे, क्योंकि वो आपका, लोग बोलते हैं ना, लग्नेश कुंभ लग्न वाले को द्वादश का दोष नहीं लगता है, तुला लग्न वाले को अष्टम का दोष नहीं लगता है। प्रशांत कुमार प्लीज म्यूट कीजिए, आप बैकग्राउंड साउंड है, ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है, ऐसा नहीं है। हाउस का स्वभाव अपना है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है जी। तो आप ये यस देखेंगे कि अगर आपका सैटर्न लग्न में बैठा है तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है आपका, क्योंकि दशा लॉर्ड है, आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है। एम आई राइट अबाउट? दूसरी चीज, यस दूसरी चीज, सैटर्न को बैलेंस करने की ट्रिक, जैसे मैम ने क्या कहा, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा बताया था, सैटर्न को बैलेंस करना है तो वॉक ए लॉट। और नॉनवेज खाते हो आप? नहीं अभी 4-5 महीने से छोड़ दिया मैंने, ड्रिंक्स लेते हो? कितना नहीं ड्रिंक्स भी नहीं करता। मिनट चलते हो डेली? 7,000 स्टेप्स ठीक है, वी वॉक, वॉक ए लॉट, और उस वॉकिंग के ओके साथ सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, लोगों की सहायता करो। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठो, कितने बजे उठते हो सुबह? 9 बजे? हाँ, 9 बजे उठता हूँ सर।
वो बात थोड़ा सा तो है जल्दी भाई। थोड़ा जल्दी उठते हो, 11 बजे के पहले उठोगे तो दिक्कत होगी। ओके अरे ओके क्या ओके, मैं बोलना चाह रहा हूँ 5 o'clock उठो, सॉरी मैं जोक कर रहा था, छह तो हाँ 10 मिनट फॉलो कर लो। 6 बजे सर जल्दी। हाँ जल्दी उठना चाहिए, 6 6 बजे नहीं से 5 बजे सूरज उग, 5 बजे। ओ ओके सूरज उगने से पहले आपको नहा धो के रेडी होना है, और वो वॉकिंग ओके अगर आप सूरज उगने के साथ करो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये जो आपका स्ट्रेस ओके एंग्जाइटी जो 12th हाउस के रिजल्ट मिले हुए पूरे कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी तो फास्टिंग मंत्र जाप 6 स्टेप रेमेडी वो करते रहना है, ठीक है। अब एक चीज और ओके समझने की जरूरत है कि सैटर्न आपका कहाँ बैठा है वायु तत्व में। सैटर्न खुद राइट खुद भी वायु तत्व है, तो जो वायु राइट वायु विकार है आपको कहीं ना कहीं वायु विकार की प्रॉब्लम भी जनरेट होती होगी। बताइए हो यस सर। रही है लाइक नसों में मेरा दर्द रहता है। हाँ है देखा हो। अब ये कहीं ना कहीं आपका राहु कहाँ बैठा अब ये बताओ नाइन्थ हाउस में ना, ट्राइन में बैठा है लिब्रा। ना, इसीलिए मैंने पूछा, हाँ क्योंकि आपने जैसे नर्व्स बोला मैं समझ गया कि राहु का लिंकेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, आइदर एट अ नक्षत्र लेवल और एट अ डायरेक्ट लेवल। अब और उसी मुन भी 5th हाउस में सर, तो इसलिए मन भी अचानक बहुत हाँ ज्यादा। नहीं, मन अशांत का कारण है क्योंकि सैटर्न की दशा है, मून को हम डायरेक्ट लिंक नहीं करेंगे। मून तो ठीक है ही ओके है, वो तो टॉक्सिन्स बनाइए। आप 6 स्टेप रेमेडी ओके फॉलो करो, बैलेंसिंग करो प्लेनेट को, प्लीज 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 पॉसिबल है हवन अवश्य करो, ओके राइट ठीक है। कनेक्ट टू ये जो हमने 6 स्टेप रेमेडी पहले कई बार चर्चा की, बीच में सेशंस भी हुए थे, पहले भी सेशन हुए हैं, प्लीज उनको डिटेल स्टडी करें, उनको अडॉप्ट करें लाइफ में, ठीक है। वक्री ग्रह, डरने की जरूरत नहीं है, कई बार आपसे गलती भी हो रही है आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वक्री ग्रह यही गलती राइट कराता है। तो जैसे आप इसको अडॉप्ट सर करने लगोगे वो आपको जीवन में दिशा दे देगा, ठीक है। यस सर। लेट रियलाइजेशन हो रहा है उसका, अगर कोई गलती रही। वो कोई बात नहीं, वो प्लेनेट ही ऐसा क्या करे। हाँ अभी अरिंदम जी आप बताइए। 5th हाउस जेमिनाई में सैटर्न रेट्रो है सर, दशा किसकी है, और सर दशा सैटर्न का है सर, जून महीने से स्टार्ट हुआ है। सो सेम रेमेडी जो अभी मैंने बताया, सेम उपाय ओके कराइए, सर सेम कीजिए, सैटर्न सैटर्न है, ठीक है। नॉट टू अभी ओके डीजे जी, डीजे जी, डीजे आप लोग क्वेरीज भी पूछ सकते हो, इट्स ओपन सेशन, बट वन बाय वन ही करेंगे हम। डीजे डीजे आपने हैंड रेस किया हुआ है, सर मैं कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ? पूछिए पूछिए जल्दी पूछिए। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, सैटर्न महादशा स्टार्ट होने से पहले जब जुपिटर और राहु का दशा चल रहा था उस सर टाइम से मेरा। हम वक्री पे कनेक्ट रहते हैं ना सर, केवल वक्री पे, ओके ओके सर ओके सर ओके सर ठीक ओके है। सर ओपन गॉट इट फोरम में सर। हम वो वापस से चाहिए तो एक सेशन हम बाद में और लेंगे, शाम को ले लेंगे जो ओपन डिस्कशन होगा एनी क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्योंकि वक्री वर्ली वक्री सर पे वही रहते हैं। गुरु की महादशा चल रही है, सर 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 गुरु एक मिनट की एक मंत्र मिनट दशा। एक मिनट रिपीट, पहले डीजे जी को आज नहीं, क्योंकि जिन्होंने हैंड रेस किया हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं तो फिर ऑर्डर हो जाएगा। डीजे जी आपको कुछ बोलना है या आगे बढ़े, ठीक है। संगीता मैम आप बोलिए, संगीता मैम हैंड रेस किया आपने, या नमस्कार सर। नमस्कार। सर वक्री मेरा से बस एक विद क्वेश्चन था कि अगर जी वक्री से बकरी विद से सर बोलिए। एक चार्ट है मेरे पास जिसमें सर तीन चार प्लैनेट्स बकरी है, तो हाँ हाँ वो कैसे इंपैक्ट कर रही है? हाँ दशा लॉर्ड का जो लिंकेज बनता होगा सबसे पहले वो इम्पैक्ट करेगा। क्या उसके दशा लॉर्ड ओके का किसी सर। वक्री प्लैनेट से कनेक्शन है? सर दशा तो राहु की चल रही है, और हाँ या शनि, शनि बकरी है, उनका शनि में अंतर दशा चल रही है। वो चलो अंतरदशा छोड़ दो, राहु क्या, राहु किसी प्लैनेट के साथ बैठा है? नहीं अकेला बैठा, हाँ राहु के नक्षत्र में अकेला कोई, है सर। राहु के नक्षत्र में कोई वक्री प्लैनेट है? सर ये मैंने नहीं देखा है, बट हाँ मैं तो ये क्वेश्चन था कि अगर इतने सारे प्लैनेट जब बकरी होते हैं तो फिर हम ओके तब मैं उसको एक गोल्डन रेमेडी देता हूँ। वो गोल्डन रेमेडी क्या बता दूं मैं, जी सर प्लीज सर। साधना करो, राहु के साधना राहु राहु मून के नक्षत्र में किसी है। किसी वो छोड़ दो, जिसके भी चार्ट में तीन से ज्यादा प्लैनेट वक्री बैठे हो, 3 4 5, मैं उसको एक ही गोल्डन रेमेडी दूंगा, आप एक साधक बन जी सर जाओ, क्योंकि आपको सभी तत्व के प्लैनेट निहार है, सबकी बिल्कुल नजर आप पे। वाह।
सबकी यस नजर सर, आप पे है, दे आर वॉचिंग यू, दे आर स्पाइंग यू, आप कुछ मत कर। वो बिल्कुल, 2-2 घंटे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, 4:30 उठो, नहाओ, 2 घंटे बस साधना में लीन हो जाओ और अपने कर्म पे ध्यान दो, किसी का बुरा नहीं करना है। यही प्लेनेट आपको डिविनिटी दे देंगे, यही प्लेनेट आपको आसमान की बुलंदियों पे लेके चले जाएंगे। ठीक सर है, ओके सर। वैसे मैं पर्सन को देख रही हूँ, वो बहुत डिग्निटी वाले हैं, बहुत, जैसे कोविड भी था अभी तो बहुत सेवा करी, खाना खिलाया लोगों को, रिजल्ट आई उनके थिंक सामने शायद मिले, यही उनको है। यही हाँ यही उनको रिजल्ट देगा, हाँ चॉइस ही नहीं। अगर वो व्यक्ति ये नहीं करेगा तो उस व्यक्ति की बैंड बजेगी, जी उसके जीवन में अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं होगी, बोलेगे भगवान तूने क्या किया। हुआ ठीक है, सर, बहुत अल्टीमेट करोड़ों का लॉस। हाँ होगा होगा, बिल्कुल होगा, अचानक अचानक होगा सब। ठीक है, सब ये सब जितने अचानक, दिया उसी ने लिया। राइट क्योंकि वो उसका स्वभाव ही वैसा है, वो आपको वॉच कर रहा है, छोटी भी गलती आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसको भेजा गया स्पाइंग के लिए। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, है, ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नेक्स्ट, सुमित जी, थैंक यू सर। सुमित जी, सोनल मैम, नमस्कार आ सुमित जी नमस्कार बोलिए सर बोलिए बोलिए, नमस्कार। जी। मेरा कुंभ राशि है और शनि तुला राशि में छठे भाव में वक्री चल रहा है उसकी दशा चल रही जी, है, शनि की महादशा भी चल रही है, तो लाइक मुझे सेम जॉब रेमेडी। का अच्छा बताइए, जी जॉब जी का दिक्कत आ रही है, जॉब, यस 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 क्या दिक्कत आ रही है? जॉब गई है, जॉब मिल नहीं रही है, या जॉब चेंज करना है? नहीं, जॉब गई है एक्चुअली जॉब गई है। और नई वाली, हाँ नई के लिए ट्राई कर आप, रहा हूँ मैं। आपका मेष लगन है आपने बताया, ब्रश लगना है सर, ब्रश ऋषभ, लगना, ऋषभ 2 नंबर का, यस सर, दो यस सर, नंबर का लगन है, तुला में शनि बैठा है, राइट? वक्री है जी ठीक है, तो अगर जी तुला में शनि बैठा है तो शनि जो टाइन में बैठा हुआ है, पहली बात। जी पहला सर, सवाल, अगेन सेम क्वेश्चन पूछ रहा मैंने भाई सब को जो पूछा था, यू डू हैव नॉन वेज ड्रिंक्स? नो सर, बिल्कुल नहीं है मेरा बिल्कुल नहीं है। आप जी वॉक जी करते हो? यस मतलब ये 2020 से मैंने किया था 1-1.5 साल, उसके बाद अभी बंद है सर, अभी अपने आप ही बंद हो गया, लाइक वैसा रहा नहीं, मतलब हाँ डेली नहीं, का जो मेरा था शेड्यूल। वॉक ए लॉट। तीसरी चीज, यस सर, यस सर, कनेक्ट टू पीपल। जब आप जॉब करते थे, क्या आपके अंडर में कुछ लोग काम करते थे? एज अ टीम, यस तीन क्या चार लोगों का टीम क्या एक, हाँ, यस क्या आपने उनका किसी का कंप्लेंट किया था? नहीं सर, इसमें थोड़ा बहुत इश्यूज हुए थे हुए थे ना, क्योंकि मुझे लास्ट सिक्स चार, मंथ में, वो यस मुझे, मेरी यस हिस्ट्री सर, दिखा रहे, इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ आपको। आगे से ध्यान हाँ देना, विवाद आगे से जी ध्यान जी देना, कुछ भी हो जाए अपने से जी निचले वाले बंदे को संभालना, उसकी कंप्लेंट कभी मत करना, शनि आपके नीचे के एम्प्लॉई है, जी जी अगर उनका कर्ज आएगा तो कर्ज आप पे आएगा। इसमें एक्चुअली कंप्लेंट जैसा तो नहीं किया था, बट वही है कि जैसे किसी से तालमेल नहीं हुआ, ऐसा हुआ था देखो बस ये चीजें होती है, जी जी मैं भी कंपनी में, मैं भी इंडस्ट्री में, मेरे अंडर भी काफी लोग होते हैं, ठीक है, जी जी इट डजेंट मैटर। बॉस प्रेशर डालेगा, बॉस अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है जी जी ठीक है, कभी नहीं करना है। दूसरी चीज, अभी आप एक काम करो, तुला 7 नंबर, वहां पे सैटर्न, इस समय सूर्य भी आ रहा है, तो थोड़ा सा 1-1.5 महीना और टफ हो सकता है, ठीक है, बट डोंट वरी। आप हाँ पर दशा लाट फास्टिंग होगा जी स्टार्ट किया, 6 डे पेमेंट स्टार्ट करो, नहीं किया हो तो जी 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 ठीक है, और शनि मंदिर वगैरह तो आप सैटरडे जाते ही होगे, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है, वक्री प्लैनेट है, इट एमर्ज, देखो क्योंकि इसने अर्जेंसी में किया ना, सैटर्न वक्री है तो उसने अचानक इवेंट आपके लाइफ में लाया है, उसका स्वभाव ही है, वक्री प्लैनेट अचानक करेगा, अच्छा बुरा जो भी करेगा, अचानक अब हाँ जी बिकॉज ताकत है, वो अचानक करने की क्षमता है उसके पास, ठीक है। जी माँ दुर्गा की आराधना करो, आसपास में कोई देवी का मंदिर होगा ना, वहां पे आप डेली जाओ, हाँ जी ठीक है, और हफ्ते में एक दिन वहां पे एक नारियल चढ़ा दिया करो प्रसाद रूप में, बाकी जी सर, बैलेंसिंग के मंदिर उपाय करो आप, ठीक है। नेक्स्ट और वक्री सर प्लैनेट, जी, थैंक वक्री यू सर। बदली, वक्री से नेक्स्ट वक्री प्लैनेट, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्री से रिलेटेड, सर वक्री से रिलेटेड क्वेश्चन ओपन है, ठीक है। सर, वक्री प्लेनेट का आपने जो बताया कि वो हाँ 4 या 5 डिग्री का हो, तो ही वो दूसरे भाव का फल देगा, उसके अगले भाव का,
और जब 29 डिग्री का हो तब मैंने भी उसके मैंने आगे की मैंने हाइट का मैंने 20 मैंने का। ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा, आई एम अगेन टेलिंग व्हाट आई हैव टोल्ड। दे सकता है ऐसा सर। मैंने क्या कहा, आप समझने का प्रयास कीजिए। जब भी कोई प्लैनेट है वक्री होता है, कैसे होता है, सपोज मेरा ये अर्थ है, मैं इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। अब ये प्लैनेट जस्ट वक्री हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ही है ना जी, या ये वक्री मूव जी करके ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब कैसा ठीक है सर। कि ये प्लैनेट वक्री होकर के फिर ऐसे गोल घूम करके, तो ये पहले वक्री हुआ तो ये क्या टुवर्ड्स अर्थ जा रहा था, और उसने कहा कि आई एम वॉचिंग यू, ओके। और उसके थोड़ी देर के बाद वो ओके निकलने लगा। जब ये टुवर्ड्स अर्थ जा रहा था, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 28-29 डिग्री का था, ठीक है, तब मैं ये बोल सकता हूँ ये 27-28 कि वह उसके बॉर्डर लाइन केस पे क्रॉस कर सकता था, तो ये उसके आगे का प्रभाव जनरेट करेगा। अब मान लेते हैं कि ये वक्री ओके ग्रह यहाँ पे आ रहा है और यह 2 या 3 या 4 डिग्री का है, तो जब वो वापस क्रॉस करके जाएगा तो वापस उसको टच करेगा, और उसका प्रभाव मतलब कैसा, वो वॉचिंग के जो, क्योंकि वक्री ग्रह वॉच करता है, तो उसकी वॉचिंग टेंडेंसी ये बताती है कि इट कैन कनेक्ट अप टू 5 डिग्री बोथ वेज। तो मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि 4 to 5 डिग्रीज तक का मार्जिन अगर हो तो मैं वक्री ग्रह को अदर हाउस का रिजल्ट देते हुए पाता हूं, और वो भी जी जी अंशात्मक रूप में, इट टू सर्टन जी परसेंट। अगर वो सर एकदम दो यही बकरी एक एक मिनट अगर यही प्लैनेट लास्ट के 2 डिग्री के एज पे आ जाता है, 0 to 2 डिग्री या 29 to 30 डिग्री, वक्री ना भी हो तब भी वो दोनों भाव के रिजल्ट में मानता हूं, क्योंकि एक्चुअल में जो 30 डिग्री का इक्वल हाउस डिवीजन है दैट इज इनकरेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। तो जी जब भी कोई जी प्लैनेट बॉर्डर लाइन पे हो तब भी वो दोनों हाउस के सम्मिलित रिजल्ट देने की क्षमता रखता है, भले वक्री हो या नॉन वक्री हो। वक्री के केस में थोड़ा सा सर मार्जिन बढ़ के 4 to 5% तक चला जाता है, ठीक है जी। सर इसी लाइन में जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि वक्री प्लेनेट जब हाउस चेंज करता है चलित में तब भी मैम वो उसी का फल देगा। चलित की तरफ जाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, चलित का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो ओरिएंटेशन ऑफ हाउस की टेक्निक है, जहां पे वो किसी एक बेस पे कनेक्ट होकर के बाकी जगह लिंकेज दे रहा है, ठीक है। आप इसी को पकड़ के चलिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स मोर देन इनफ, लगन कुंडली पर्याप्त है, ठीक ठीक है। है सर। और सर जैसे शनि जो भी प्लेनेट का वक्री प्लेनेट है वो महादशा में तो उसका फल देगा ही, पर अंतर दशा में भी उसको उसका रिजल्ट तो आएगा ना सर, अंतर में और हाँ प्रत्यंतर हाँ में देखिए, ऐसे। प्लैनेट जब भी दशा में आएगा, भले महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा या फिर ट्रांजिट में, वो अपना रिजल्ट जनरेट कर रहा है। महादशा के पास पावर है क्योंकि महादशा लॉर्ड आपका राजा है, अंतर दशा लॉर्ड उसका सेनापति है, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड उस सेनापति का कौन है, पीए है, और सूक्ष्म दशा प्राण दशा उनके क्या है, निचले के जो चपरासी है वो। ठीक है सर। तो तब भी उस चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल रख सकते हो जैसे आप, आपने बताया। बिल्कुल रख सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है जी, ओके। ठीक ठीक थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बोलिए मैं कह बोलिए। रही थी कि हम लोग है ना मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो उसकी बैलेंसिंग हमने बोला कि वीनस से करते हैं है ना सर। हाँ और सर लेकिन अगर वीनस साथ में बैठा हो तब भी, कंजंक्ट हो तब भी तब भी इन मैंने दैट केस मैंने ऑल्सो। मैंने 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 प्लैनेट के स्वभाव की बात की मैम, अगेन अच्छा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मर्क्यूरी का स्वभाव एक है और वीनस का स्वभाव एक है, एम आई राइट अबाउट, राइट सर। ठीक है जी। तो उनके स्वभाव को समझिए, उनके स्वभाव को समझिए, वो कंजंक्ट में बैठा हो कहाँ बैठा हो उससे मतलब नहीं है, अच्छा बैलेंसिंग इज अ बैलेंसिंग, एक है प्लैनेट की बैलेंसिंग, दूसरा अपोजिट हाउस बैलेंसिंग, ठीक है मैम, क्लियर, जी क्लियर सर। ठीक है। हाँ जी राहुल जी, एनीबॉडी, बोलिए हाँ सर। बोलिए। हाँ हाँ तो मेरा मर्क्यूरी का दशा चालू है, हाँ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है और कंबस्ट भी है और 12th हाउस में भी बैठा हूँ। वेरी गुड, अब मुझे बताइए, अब मुझे नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट अब मुझे बताइए, आई हैवंट फेस्ड एनी बैड थिंग्स वेरी सो गुड हाँ वेरी बताइए गुड, प्लीज। दैट वेरी गुड। डू यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग्स?
बुक्स, हाँ यस, प्लांटेशन, आई ऑल्सो प्लांटेशन, राइट। ट्री प्लांटेशन, हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ठीक है, बच्चों के साथ कनेक्ट, हाँ जी एकदम। इन्वेस्टमेंट ऑफ योर थॉट्स, कहीं ना कहीं आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप राइटिंग कर रहे हो एक आपका इन्वेस्टमेंट है, आप मर्क्यूरी की करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ये भूल रहे नहीं रहे हो, हाँ 12th हाउस में हाँ मर्क्यूरी राइटिंग, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हाँ आप तो यूज कर रहे हो यार, कैसे कैसे हाँ मैलिफिक इफेक्ट देगा आपको, वो आप पे करेक्ट। नजर रखे हुए हो, आप उसको यूज कर रहे हो, हाँ यू गॉट माई पॉइंट राहुल जी, यस यही यस। तो मैं बता रहा हूं काफी देर से, तो मेरी रेमेडी जस्टिफाई हुई या नहीं हुई, हेलो राइट एब्सोल्युटली यूटिलाइजेशन। हाँ हाँ हुई ना, हाँ 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 एकदम हो। हाँ अच्छा हाँ 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 ओके। रूपल मैम प्लीज तो म्यूट, सॉरी सॉरी, नो इशू मैम, बट सर बिसाइड्स दैट एक शुड एग्जांपल दो एनीथिंग एल्स दैट आई शुड बी डूइंग? सर, आप जो कर रहे हो परफेक्ट कर रहे हो, बाकी 6 स्टेप सही रेमेडी है को फॉलो ना? कीजिए आप, हाँ क्योंकि वो तो कभी कभी करता क्या, है। कभी कभी क्या होता है ट्रांजिट में किसी तरह से उस पर कोई डिटॉक्स हो जाता है, कोई फास्ट, कोई मैलिफिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, हम देखो मैं खुद में बता रहा हूं, मैं हर दिन के ट्रांजिट थोड़ी देखते बैठे हुए, अपना चार्ट खुद नहीं खोलता हूं कभी, हाँ मैं आपको असलियत बताऊं, जैसे बोलते ना किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये भी सुना है मैंने कि अपने को चार्ट भी नहीं दिखाना चाहिए, आप अपना भाग्य किसी और नहीं को दे दिखाना दो, चाहिए। हाँ सही यस, बात और हमारे ग्रुप में लोग अपना अपना चार्ट खोल के हर दिन हर दूसरे व्यक्ति को डालते है। रहते हैं, अब क्या करो क्या बोलूं मैं, वे ऑफ लिविंग को समझो यार मेरे भाई, सर। ऋषि मुनियों ने जो चीज सिखाई वही सत्य है, हमें उस सत्य करेक्ट को पकड़ना है, ठीक है जी, और यस। फिर अगेन मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप मिशन केतु को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हमें आगे बढ़ना यस है, आपको जब मौका मिले आपके सोशल मीडिया अकाउंट में, आपका यूट्यूब चैनल हो, जहां है आप शेयर करो, और कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कैन हैव अ सेशन, वी विल हैव इट, एक महान श्योर है, सर। यस सर बेसिक श्योर। बेसिक से कनेक्ट करो, क्योंकि देखिए ये जो वे ऑफ लिविंग है आप कर रहे हो आपको रिजल्ट आ रहा है, लोग भटके हुए पता नहीं, लोग लाखों लाखों रुपए फूक रहे, कोई रत्न पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रिजल्ट नहीं है उनके पास, क्यों नहीं है, क्योंकि अब उनको सब ठग लोग मिल रहे हैं, लोग बिजनेस करके जी बैठे हुए हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे जीवन की घटना हमारे प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध को कनेक्ट करना कैसे आता है वो हमें समझना है, और ये टेक्निक केवल ऋषि मुनियों ने, सनातन ने हमेशा सिखाया था, जो मैंने आप लोग को आज तक बताया, क्या ये सनातन ने नहीं बताया था, ऋषि मुनियों ने नहीं बताया था, फास्टिंग करो, मंत्र जाप करो, कनेक्ट करो स्पिरिचुअलिटी से, कनेक्ट करो, बैलेंस करो, आदर सत्कार करो, सेवा करो, पूजा करो, सब चीजें बताई थी, कौन सी मैंने नई चीज बताई आप लोगों को, कोई रॉकेट साइंस बताया है, बस उसके पीछे के मैंने लॉजिक को बताया, उसके पीछे के मैंने तथ्य को बताया, उन्होंने कैसे निकाला होगा, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया, करने वाले वो थे, रिसर्च उन्होंने किया है सब, यस विजय जी, सर हमारे घर की लाइफ स्टाइल है ना, वो भी राहुमय हो चुकी है क्या हो सभी घर गया, में। तो क्या हो गया, राहु पहला मैं राहु मैं राहु राहुमय हो गई है सर, पहला क्या हो गई बाबू, मैं केतुमय थी समझ नहीं सर। पाया हमारे घर की लाइफ स्टाइल है ना, अच्छा हाँ घर अरे की घर की लाइफस्टाइल, लाइफ स्टाइल। हाँ सही कह रहे हो आप सर, हाँ मैं यही सर, तो बता रहा पहले हूं, मुझे पता है सर, मैं मेरी बात सुन सकते हो सर जी। बिल्कुल बिल्कुल पहले बिल्कुल 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 मेरे घर में दादा दादी सब कुछ थे। दादा दादी है, अभी भी दादी जिंदा है, 97 ईयर की एज है। हम जब छोटे थे ना, तभी हमने पूछा जाता है था दादा दादी को, आज खाने में क्या बनाना है। वो केतुमय अच्छा लाइफ स्टाइल थी। अभी के जमाने में सर बच्चों को पूछा जाता है कि क्या तुझे क्या खाना खाना रखते हैं आप है बहुत सही सर एग्जांपल दिया केतुमय आपने, है, अभी राहुमय है। अरे सिर्फ राहु में ऐसे ही नहीं है, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, हमारी बहुत सोच, चीज। मैं बता रहा हूं, लोग वैष्णो देवी सेकेंडरी जाते हैं, मैं वैष्णो देवी आज तक दर्जनों बार गया, मैं आज तक पटनीटॉप नहीं गया, और लोग सरप्राइज हो जाते हैं, और मुझे पता नहीं पटनी टॉप क्या चीज है, मुझे इतना पता है कोई वहां पे बर्फ वगैरह हिल स्टेशन है, खत्म कहानी, लेकिन जो आनंद उस वैष्णो देवी में, शिव खोड़ी में, उन जगहों पे मुझे वहां नहीं मिलेगा, नहीं जाता मैं, हमारी जर्नी जब भी होती स्पिरिचुअल ही होती है, भले पहाड़ियों पे हो या कोई
कोस्टल हो, कहीं भी हो, और हमें ये हमें अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखाना जरूरी है। यही रूट से कनेक्ट हो। दशा नेगेटिव में मे भी मैलिफिक प्लैनेट की दशा चल रही है, 3-6 की दशा चल रही है, ठीक है। मेरे चार्ट में भी मैलिफिक इफेक्ट है, वो मुझे किसी ने भी मैंने उस दिन डाला था ना मैम, आप लोगों को देखा था, बहुत दिक्कतें हैं, यह है वो है, जबकि मुझे कोई दिक्कतें नहीं है। अभी देखिए बहुत सारे चार्ट है, अभी हम सामने सामने देख रहे, शनि की दशा गई, वक्री मरकरी की दशा गई, आप बैलेंस कर रहे हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, नहीं करोगे तो वो हो गए, आपको फिर रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि आपसे क्या गलती हो रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, में क्या बोलना चाह रहा हूं, जी सर जी, हमें दिशा देने का काम ऋषि मुनियों ने किया, हमारा काम है उस दिशा पे चलना और लोगों को दिशा देना, तो इस एनर्जी को ट्रांसमिट करना है, इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, ईश्वर ने मुझे लाइवलीहुड के लिए बहुत कुछ दे रखा है, आई एम वेल सेटल्ड, ठीक है। मैं चाहता तो इसी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स बेच करके मैं करोड़ों रुपए और छाप सकता था, लेकिन वो मेरे लिए मिट्टी समान है।